फतेहाबाद के गांव बनगांव के पास सिरसा मेजर नहर अल सुबह अचानक टूट गई। अल सुबह करीब 4 बजे यह नहर टूटी, जिसके कारण सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। नरमे और कपास की फसल में पानी ही पानी भर गया। इसके बाद किसानों को मामले की जानकारी लगी और किसानों ने तुरंत सिंचाई विभाग को जानकारी दी। किसानों और सिंचाई विभाग के द्वारा मिलकर नहर को पाटने का काम जारी है। ट्रैक्टर ट्रालियों और JCB की मदद से नहर में मिट्टी डाली जा रही है ताकि नहर को बंद किया जा सके। वहीं नहर का पानी पीछे से भी बंद करवा दिया गया है ताकि पानी का बहाव कम हो सके और नहर को पाटने में बंद करने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। किसानों का कहना है कि सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते यह नहर टूटी है। इस बारे में जानकारी देते हुए किसान सुमित भांभू ने बताया कि जिन बेलदारों की ड्यूटी नहर पर होनी चाहिए, नहर के रखरखाव पर होनी चाहिए, उन बेलदारों से सिंचाई विभाग अपने कार्यालय में ड्यूटी करवा रहा है और ड्राइवरी करवा रहा है। यही कारण है कि किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और नहरें लगातार टूट रही हैं। किसानों की फसलें नहरी पानी के चलते खराब हो रही हैं। पानी की बहुत अधिक मात्रा आ जाने के कारण फसल खराब हो रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नहर को बंद करने के लिए पीछे से नहर के पानी को बहाव कम करने के लिए पानी बंद करवाया गया है और जिन किसानों को आज सिंचाई की आवश्यकता है उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लगभग अर्ली मॉर्निंग 3 या 4 बजे के आसपास टूटी हुई है। हमारे को पता गांव को वालों सुबह ही पता लग गया था 6 बजे ही, लेकिन मेरे को पता 7:30 लगा। उस टाइम जय साहब उसी टाइम आए थे 7:30 बजे। ये ना तो नहरों की रखवाली करते हैं, ना ही जो प्रॉपर बंदे रखवाली के लिए जो बेलदार छोड़े हुए हैं उनको दफ्तरों में बिठा रखे हैं और नहरें राम भरोसे चल रही है। और जो फर्जी बेलदार जो DC रेट पर रखे जाते हैं वो सिर्फ कागजों में रखे जाते हैं, वो सिर्फ जेबें भरने के लिए। इसमें सभी अधिकारी नेग्लिजेंस हैं। JEE से लेकर के SC तक, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर तक, JEE SDO एक्शन वह सभी दोषी हैं। ना ही ये नहरों की रखवाली कर प्रॉपर तरीके से करवाते हैं। जो बेलदार हैं उनको किसी को तो गाड़ी पे रख रखे है, गाड़ी का ड्राइवर बना रखे है, किसी को कंप्यूटर ऑपरेटर बना रखे है, किसी को कुछ कर रखे है। कौन सी नहर बोलते हैं सर और कितना नुकसान है? इसको सिरसा मेजर नहर बोलते हैं। लगभग 100-150 एकड़ में पानी भर गया है जी, और काफ़ी नुकसान है फसल के अंदर। और फसल के अंदर नहीं, जो अब इस कारण से जो नहर बंद हुई है, जिन किसानों को औरों के पानी लगना था उनके भी नुकसान है, क्योंकि फसलें बुरी तरह से पानी मांग रही हैं, वो पानी कहाँ से देंगे, ये भी नुकसान है। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम सुमित है, गांव बनगांव का ही रहने वाला हूँ मैं।